देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त रह गया है, ऐसे में कयासों का बाजार भी गर्म है। कोरोना से बिगड़ी राज्य और पार्टी की छवि को लेकर बीजेपी उनसे खफा है, या पूर्वांचल बनने की अटकलों को लेकर योगी की अलग राय है। कोरोना से बिगड़ी राज्य और पार्टी की छवि को लेकर बीजेपी उनसे खफा है, या पूर्वांचल बनने की अटकलों को लेकर योगी की अलग राय है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। पर 49 साल के योगी कई कारणों से खबरों में हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी के जन्मदिन पर बधाई न देना मुद्दा बना, फिर सरकारी पोस्टर से मोदी का चेहरा हटाए जाने की खबरें भी सामने आई। सन्यासी से राजनीतिक तक के सफर में योगी अपनी हिंदुत्ववादी छवि, विवादास्पद बयानबाजी के कारण कई बार विवादों में रहे। 2017 में जब बीजेपी ने सीएम पद के लिए योगी के नाम की घोषणा की थी तो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। पूर्वांचल में योगी का दबदबा है, पूर्वांचल के कारण ही योगी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव के किस्से भी नए नहीं हैं। योगी कई बार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के सामने खड़े हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के उम्मीदवारों के समर्थन भी कर चुके हैं। योगी के जीवन पर आधारित शांतनु गुप्ता की किताब योगी गाथा के अनुसार योगी गोरखपुर आश्रम में थे तो हर दिन सुबह 4 बजे गायों को खुद गुड़ खिलाते थे। दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू हो जाती थी। 3 से 5 के बीच योग और प्रार्थना करते हैं, इसके बाद पूजा और फिर 2 घंटे अध्ययन करते हैं। सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। योगी पहली बार 1998 में 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बने, इसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। पूर्वांचल में वह बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे, लेकिन इसके बावजूद कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े प्रत्याशियों का समर्थन किया। 2002 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ हिंदू महासभा के प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी किया। दिसंबर 2006 में गोरखपुर में 3 दिन का विराट हिंदू महासम्मेलन बुलाया। ठीक उसी समय लखनऊ में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही थी। 2007 में योगी पूर्वांचल में अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए 100 से ज्यादा टिकट चाहते थे। महिला आरक्षण विधेयक पर भी योगी बीजेपी के रुख के खिलाफ थे। 2002 में योगी ने गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन की स्थापना की, इसे सांस्कृतिक संगठन कहा गया, लेकिन संगठन के लोगों पर गोरक्षा लव जिहाद पर लोगों को परेशान करने के आरोप लगते रहे। 2005 में योगी ने यूपी के एटा से शुद्धिकरण अभियान शुरू किया, इसे घर वापसी नाम दिया गया। 2007 में योगी पर दंगे भड़काने के भी आरोप लगे थे, इस मामले में वह 11 दिन जेल में भी रहे। योगी के कई विवादित बयानों जैसे सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले भारत छोड़े, मदर टेरेसा भारत में इंसानियत की साजिश का हिस्सा थी, शाहरुख के बोल हाफिज सैयद जैसे पाकिस्तान जा सकते हैं, ताजमहल भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शाता, योगी की इन बातों ने हमेशा बखेड़ा खड़ा किया। योगी उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित मशाल गाँव में पैदा हुए। पिता आनंद सिंह फॉरेस्ट रेंजर और माँ गृहिणी थी। कॉलेज में एबीवीपी के साथ जुड़कर छात्र राजनीति की शुरुआत की। इस बीच राम जन्मभूमि आंदोलन में रुचि लेना शुरू किया। 1993 की शुरुआत में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था तब अजय सिंह गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। वहां महंत अवैधनाथ से मुलाकात हुई। महंत ने अजय से गोरखपुर मठ में उनका शिष्य बनने के लिए कहा। नवम्बर 1993 में अपने परिवार को बताए बिना अजय गोरखपुर चले गए। 15 फरवरी 1994 को दीक्षा ली और अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बन गए। सितंबर 2014 को अवैधनाथ की मृत्यु के बाद योगी गोरखपुर मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए।